मंकी डॉग फिशिंग। एक गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति मछली पकड़कर गुजारा करता था। वो एक अनाथ था। उसका घर झील के पास ही था। वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो गली के कुत्तों और पंछियों को खाना खिलाता रहता था। एक दिन जानवरों का कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति उस गांव में पहुंचा। उसके पास एक बंदर और एक कुत्ता था। उसने तमाशा शुरू किया। आओ भाई आओ, आओ बहना आओ, भाइयों आओ, बहनों आओ, बच्चे भी आओ, इन जानवरों के कर्तव्य देखो, देखो ये क्या क्या अजूबे करते हैं, कहकर आवाज देने लगा। तब बंदर तार के ऊपर चलने लगा और कुत्ता छल्ले के आर पार कूदने लगा। सब देखकर गंगाराम और बाकी लोग ताली बजाने लगे। सबने पैसे भी दिए। सब लोग चले गए पर गंगाराम वहीं बैठा ध्यान से देखने लगा, मदारी दारू पीकर उन जानवरों को डंडे से मार रहा था और जानवर बहुत परेशान हो रहे थे। चुप हो जाओ, भूख लगी हो तो पानी पियो, चिल्लाया तो मार डालूंगा, खबरदार। वैसे भी आज इतने पैसे नहीं आए कि मैं ठीक से शराब भी पी पाऊं, कहकर फिर से मारने लगा। ए, मारा दिमाग ठीक है? एक तो उनसे पैसे कमाते हो और उन्हें खाना खिलाए बिना उन्हें ही मारते हो। तुम आदमी हो या जानवर? ए, तुम हो कौन जो कहते हो कि मैं उनसे पैसे कमाता हूँ? ये सब कर्तव्य उन्हें सिखाया किसने, तुमने या मैंने? ये जानवर मेरे हैं, चाहे मैं उनसे कुछ भी कराऊं, तुम कौन हो पूछने वाले? अब जाओ जाओ यहाँ से। अरे उन्हें सिखाया तो क्या हो गया, तुम उन्हें भूखे रखोगे और मारोगे? ये बहुत बड़ा पाप है। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, दोनों के लिए 5,000 रुपए दो और इन्हें ले जाओ अपने साथ। मैं जाकर कोई और काम कर लूंगा, अब इनसे कर्तव्य कराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। 10,000 रुपए? अरे मैंने जितने पैसे जमा किए वो पूरे 10,000 ही हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से पैसे कमा लूंगा, ये लो 10,000 रुपए, कहकर उसे 10,000 रुपए दिए। फिर उन जानवरों को लेकर वो वहां से चला गया। वो उन जानवरों को अच्छा खाना खिलाने लगा। और अपने पास ही सुलाने लगा। इस तरह उन जानवरों को उससे प्यार हो गया। पर गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। क्यों भाई गंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 10,000 रुपए देकर इन बेकार जानवरों को खरीदा? क्यों, अपने गांव में कुत्तों और बंदरों की कमी थी क्या? अरे भाई गंगा, ये जो दो गली के कुत्ते पड़े हैं यहाँ पे, इसे तुम मेरा समझो और मुझे भी एक 10,000 रुपए दो और इन्हें ले जाओ यार। और बंदर चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उनके लिए भी पैसे लेकर उन्हें ले जाओ। ये सुनकर गंगाराम बहुत दुखी हुआ। एक दिन गंगाराम की तबीयत खराब हुई और उसने खाट पकड़ लिया। बंदर और कुत्ते के समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। ये देखकर कि गंगाराम को बहुत भूख लगी है, बंदर ने गंगाराम को पानी पिलाया। फिर भी जब उन्होंने देखा कि गंगाराम की भूख नहीं मिटी और उसने पेट पकड़ लिया है, तो वो दोनों दुखी हुए। बाद में बंदर को एक फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते हुए देखकर कुत्ता भी उसके साथ जाने लगा। झील के पास पहुंचते ही बंदर कुत्ते के ऊपर चढ़ बैठा। जैसे ही कुत्ता पानी में उतरा, बंदर मछली पकड़ने लगा। यूं उन्होंने कई मछली पकड़े। उन मछलियों को लेकर वे दोनों घर लौटे। कुत्ते और बंदर ने मिलकर उन मछलियों को आग में सेका। फिर बंदर ने लाकर गंगाराम को वो मछली खिलाया। यूं वे हर रोज करने लगे। ये सब कई लड़कों ने देखा और उन्होंने वीडियो निकाला और उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में डाला। इस तरह वो वीडियोस वायरल हो गए। गांव वालों ने भी जब वो वीडियो देखा तो हैरान हो गए। टीवी रिपोर्टर्स गंगाराम के घर आए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। फिर उसे दवाई दिलाकर उसको ठीक किया।
गंगाराम जी, आज सारे देश में ये बंदर और कुत्ता बहुत मशहूर हो गए हैं। आपने इन्हें ट्रेनिंग कैसे दिया? मैडम, मैंने उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। इनका मालिक इन्हें बिना खाना खिलाए बहुत तंग कर रहा था। ये मुझसे देखा नहीं गया, मैंने इनको उससे खरीद लिया। बस ये दोनों और भी बहुत सारे कर्तव्य जानते हैं। ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। देखो गंगाराम, मैं XYZ टीवी चैनल का हेड हूँ। तुम अपने जानवरों के साथ हमारे टीवी चैनल में एक प्रोग्राम करो, इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर गंगाराम बहुत खुश हुआ। टीवी में ये सब देखकर उन जानवरों का मालिक परेशान हो गया। इस तरह गंगाराम का बंदर और कुत्ते का प्रोग्राम बहुत मशहूर हो गया। एक दिन सब गांव वाले गंगाराम के पास आए और उससे अपने करतूतों के लिए माफी मांगा। तभी वो मदारी वहां आया। ए, तुमने इन जानवरों को 10,000 में मुझसे खरीदा और तुम अब करोड़ों कमा रहे हो। चुपचाप इन दोनों को मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा 10,000 रुपए दे दूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। कह देता हूँ, पहले तुमने 10,000 में बेचा और अब तुम उसे वापस लेना चाहते हो। पहले हमने भी गंगाराम का बहुत अपमान किया, पर हम समझ गए। पहले उन जानवरों से पूछ तो लो कि वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्यों भाई जानवरों, क्या तुम इसके साथ जाना चाहते हो? बस बंदर डंडा उठाकर उसे मारने लगा और कुत्ता उसे काटने लगा। हे भगवान, आए, आए रे। कह के वहां से भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे।